बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो अगर आपने भी कक्षा 10वीं या 12वीं के एग्जाम दिए हैं या फिर देने वाले हैं, और स्पेशली अगर आप यूपी एमपी या सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं कि आज आपके लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम आपको गुड न्यूज सुना दे जो कि सभी बोर्ड के छात्रों के लिए है। आपको पता होगा कि इस पूरे वर्ष में कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाई और बच्चे बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी सही से नहीं कर पाए थे। ऐसे में बोर्ड का कहना है कि इस बार आपकी लूज मार्किंग करी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाए। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर जो कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा खत्म होने के बाद अब स्टूडेंटों को नतीजे का इंतजार है और अब ऐसे में आपकी कॉपी चेकिंग का भी काम शुरू होने वाला है और कॉपी चेकिंग के बाद जल्द ही आपके नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। और अभी बोर्ड आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अगर आपकी कॉपी चेकिंग अप्रैल में शुरू होती है तो मई तक परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों की रिजल्ट की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 25 अप्रैल 2022 तक कभी भी घोषित किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद आप इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी अभी तक की खबर। जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई नई और बड़ी खबर निकल कर आएगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले।